हेलो एवरीवन, मार्केट 33,500 के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो ऐसे में हमारा प्लान क्या होगा? मार्केट देखे तो करीब ये 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, इसे में हम प्लान क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बायर्स सेलर्स इस जगह पे दोनों था, तो बायर्स कहीं ना कहीं ऑलरेडी मार्केट ओपन होते ही कहीं ना कहीं निकलने का कोशिश करेगा, क्योंकि इसको ओवरनाइट अच्छा खासा लॉस दिखेगा, बचेगा ये सेलर्स। ऐसे में हमारा प्लान क्या रहेगा? हम प्लान कर सकते हैं, सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही ये ऊपर के साइड भागने का कोशिश करता है, कोई पॉजिटिव मूवमेंट करता है, पुल बैक का वेट करेंगे और देखेंगे ये किस तरह का रिजेक्शन लेते हैं, बाई करने का प्लान करेंगे। ओके, सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन होते या कंटिन्यू ये नेगेटिव मूवमेंट करने लगता है तो हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट का, क्योंकि नीचे के साइड भी कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा तो हम यहाँ पी साइड जाएंगे। ठीक है, हम प्रॉपर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, फिर हम प्लान करेंगे कौन सा साइड हमें जाना है। ठीक है, वेट करते हैं, जब मैं एंट्री लूँगा अपडेट करता हूँ। तो ओपन होते ही थोड़ा पॉजिटिव जाने का कोशिश कर रहे हैं, हम वेट करेंगे। नीचे एक राउंड नंबर भी है ना, तो यहाँ पे अच्छा खासा लोग बाई कर सकते हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। प्रॉपर रिट्रेसमेंट के बाद ही एंट्री लेंगे। ये डायरेक्ट इस लेवल का ब्रेक देकर ऊपर जाने का कोशिश करता है ना, तो हम वहाँ पी साइड जाएंगे, हम यहाँ बाई करेंगे। मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, थोड़ा सा इस लेवल को क्रॉस करने देते हैं फिर। तो गाइस, हमने बाई किया है 33,600 का CE। तो करेंटली देखे तो नेट टू नेट चल रहा है, लॉस का बात कर लेते हैं। 600 से 750 का लॉस लेंगे और प्रॉफिट पे आए तो 1000 से 1200 के आसपास ही लूंगा। पोजीशन बना लिया, अब वेट करते हैं। करंटली देखें तो 530 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, तो वेट करेंगे प्रॉपर टारगेट और एसएल का। एक बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट आया है, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, मे भी यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन ले सकता है, लेने के बाद अगर इसको क्रॉस करता है तो एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा हमें इस लेवल तक। वेट करते, थोड़ा सा हमने एंट्री जल्दबाजी में थोड़ा सा ऊपर कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंटली देखे तो 600-700 करीब प्रॉफिट चल रहा है, इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। प्रॉपर अपने टारगेट और रेसल का तो वेट करेंगे, या तो रेसल देंगे या टारगेट लेंगे। थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है ना, तो डायरेक्टली मार्केट तो नीचे आएगा नहीं, थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट करेगा तभी मार्केट आएगा। जब मार्केट इसे ब्रेकआउट कर देगा तो फिर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। 400-500 करीब प्रॉफिट चल रहा है, वेट करते हैं। ये कहीं ना कहीं कैंडल ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट इसको यहाँ पे बाहर से आ गया ना, तो मार्केट इसे निकालने के लिए थोड़ा नीचे के साइड आ सकता है, तो हम यहाँ ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, हम अपना प्रॉपर टारगेट पे निकल जाने का कोशिश करेंगे। तो अभी तक हम 500 के करीब प्रॉफिट चल रहा है, वेट करते हैं, इस लेवल को थोड़ा सा जाने देना है। तो गाइस, हमने अपना टारगेट बुक कर लिया, बुक करते करते थोड़ा सा कम हो गया, तो कोई बात नहीं, हमने बुक किया है 792:1:1। बुक करने का कारण मैं बता देता हूँ मैंने क्यों बुक किया, क्योंकि मार्केट जब इस लेवल का क्रॉस करेगा ना, तो यहाँ का जो सेलर होगा, यहाँ पे जो सेलर बैठा होगा, वो कहीं ना कहीं अपना पोजीशन काट देगा। फिर अभी भी मार्केट ऊपर साइड जा सकता है, इसको क्रॉस करके ऊपर साइड जा सकता है, बट ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि और यहाँ से डाउन साइड भी आ सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इस लेवल का क्रॉस किया, डायरेक्टली एक लेवल का क्रॉस करने का कोशिश किया ना, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा नेगेटिव जा सकता है, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक करना सही समझा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारा पकड़ा है।